दीदी मिली हमें कल आई आलू के खेतियों रे जान जान दे सही समय पर पनिया हम पटली आई रे कुट्टी काट लिया हम बैंक से बच्चे महेश्वरी देवी इंतजार करे थोथी चले नहीं कल्ला कुट्टी कॉल कंचन चोट लग गेला कैसे चोट लगा ले लिया जल्दी से मलहम लगा ना लियो ना तो घाव हो जाए जान रे सही समय पर पनिया हम पटली आई रे जान खुशबू काथी करा छिया हम दोनों आदमी बैंक जा छे कोई काम है बैंक के बैंकों के बाद में करबे पहले ये बताओ कि आलू के फसल की समाचार है आलू के समाचार तो बहुत बढ़िया है होते कि एने हमू तो गोटे आलू के उपचार क रोप लिए आहा के तो पूरा जानकारी है जानकारी के सही लाभ उठाए भाई तब ना हमरो उपज बढ़तै हम गोटा लगलिए यहां झूसा से बढ़तै उपज अच्छा होतै हां आहा बहुत अच्छा कलिए काटल आलू के से छिलका उड़ जाय छै ओकरा रोग संभावना बहुत बढ़ जाय छै हां आहा ठीके कहलिए जैसे हाथ के जे चच्चा उड़ जाय छै ओइसे हमरा के जे घाव बने के संभावना रहै छै ओहे तरीका से आलू के काट कर रोपे से ओकरा बीमारी होय के संभावना रहै छै उसे उपज कम होय छै फसल तो तोहर अच्छा दिखाई दै छै आब की करे जाय छौ खेती में अब हम पानी पटावे के तैयारी करै छियै ता ख्याल से आहा के आलू के फसल 45 से 50 दिन के होइए गेलै होत आहा सिंचाई कलिए कि ना कलिए आलू में पानी पटावे के तरीका होय छै कि आके की लगैए आलू के फसल आए ते अच्छा हो जाय छै कंद लगना शुरू हो गेलै हां अगर अखनी पानी ना देबाय त आलू छोटा छोटा हो जाय त सारा मेहनत बेकार हो जाय ऐसन करियौ खुशबू जे आलू के खेत में पानी पटावे के उनको सही तरीका बता दियौ जे ताकि ठीक रहते हम ऐसे करै छी कि हम अकेले बैंक चल जाय छी अहाँ हीए पर रुक जाय आलू के पटवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है हम अबै छी ना उधर से त हम अहाँ से समझ लेब अच्छा तो अहाँ निकलू लेकिन बाद में सिंचाई के बारे में यहाँ पूछ लेब हाँ हाँ आका तो हम पूछ ले ऐसे भी कौन किसान चाहे छे जो कर उपज कम हो दू बेर पानी पहले पटाबे कलिए फिर पानी पटेबे पानी तो हम पहले पटल ही रही है कि अब आलू में गोट दे रहल हन त पानी पटबै तब ना फल लमहर नमहर होतै सही बतलेलन हनी अभी आलू में कंद लगना शुरू भेलै है त नमी होना जरूरी है कंद केकरा कहै छै तन देखियौ त आप बतबै छी कि कंद किनका कहै छै चलू मिट्टी हटा कर देखा छिए कंद केकरा कहै छै देखा छिए एकरे कहै छै कंद एहे कंद बड़ा होके आलू बनै छै अच्छा ई बात है एहे समय में नमी के की जरूरत है इस समय में खेत में नमी होना बहुत जरूरी है तब ना आलू के साइज बड़ा होता है या किरी आलू न होता है ते बात है हम तो दुए बेर पानी पटा कर निश्चिंत हो गेलिए तब तो अहाँ के सही जानकारी न है अखनी कंद देख लिए है ना अगर इस समय में पानी की मात्रा कम होता है तो आलू के फसल पर बुरा असर होता है और छोटका छोटका आलू ज्यादा बनता है तो फसल में कमी आ जाता है तो हमारे सबके मेहनत बेफल होबे ना करता है जाने छे 4 से 4.5 महीना वाला जो आलू की वेराइटी हो ना ओकरा में बुआई से 45 से 55 दिन तक कंद लगना शुरू हो जाए छे कंद लगे की प्रक्रिया 3 से 4 सप्ताह तक चलते रहे छे से बात है दो बार सिंचाई करके निश्चिंत न हो जाए आलू के खेत में हल्का लेकिन कई बार सिंचाई के बहुत जरूरी है तू कहा छो जल्दी पानी पटावे के लिए कितने जल्दी पानी पटावे के है जल्दी जल्दी के मतलब है कि 10 से 12 दिन के अंदर में खेत में पानी पटाना बहुत जरूरी है बालू मिट्टी होते तो कितने दिन में पानी पटेबे अगर बालू मिट्टी होता है तो 8 से 9 दिन के अंदर में पानी पटाना बहुत जरूरी है लेकिन यह ध्यान देवे के है कि नाली भर के सिंचाई न करे के है आलू बने से लेकर बड़ा होय तक खेत में नमी बरकरार होय के चाहिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिले से आलू छोटा हो जाए छे और वजन में भी कमी हो जाए छे असु बाजार में छोटा आलू के दाम कम में रहे छे इसे दोनों तरफ से हमारा घाटा है अच्छा कलेजे बता दे मुँह अपना खेत में हाल रखेला पानी 10-12 दिन में पटे ताकि आलू के साज नमर नमर हो ठीक तू पानी पटाव हम अपन खेत देखे जा ठीक है आलू के उपज अच्छा पावेला अहो खेत के नमी देखाओ कंचन अथी ना तो उनको बता दे बैंक के काम तब होइए गेले हने जाछे खुशबू से जल्दी जल्दी सिंचाई के बारे में हम पूछ ले ए खुशबू सिंचाई हो गेले हमहु आ गेलिए बैंक से तनी हमरो बता दे आ गेलिए आहो बैठो बता दै छी हम ऐसन करै छी कि आलू के सिंचाई के जरूरी बात अहाँ के बता दै छी आलू में 40 से 50 दिन के बाद कंद लगना शुरू हो जाय छै उस समय आलू के नमी के सबसे ज्यादा जरूरत होय छै ये चलते आलू के खेत में 10 से 12 दिन के अंतराल में हल्का सिंचाई करते रहे के ऐसे आलू के फल बड़ा होता और उपज भी अच्छा होता है एकर मतलब ई है कि छोटा आलू जो होय छै से कम होता है आलू में 40 से 50 दिनों में कंद लगना शुरू हो जाय छै
उस समय आलू के सबसे ज्यादा नमी की जरूरत होय छे। एकरे ला आलू के खेत में 10 से 12 दिनों के अंतराल में हल्की सिंचाई करते रहे के है। कंद बने के शुरू होते ही ना तो नाली में आधा से ज्यादा पानी ना देवे। कंद बने के शुरू होते ना तो नाली में आधा से ज्यादा पानी ना देवे के है। आलू खोदे से 15 दिन पहले सिंचाई करे के बंद कर देवे के है। अच्छा ये बताओ, झुलसा के लक्षण अगर दिखाई देता है तो उस समय हम पानी पटाब? यहाँ ठीक कर लीजिए, हमरा से पूछ ले ली, उस समय अहाँ के सावधानी बरते के पड़त। अगर अहाँ के खेत में झुलसा के लक्षण दिखाई दे तो अहाँ सिंचाई रोक देव, और झुलसा के रोकथाम के लिए नियमित दवाई के भी छिड़काव करब। हम तो आलू के सिंचाई के बारे में समझिए गेलिए, उम्मीद है कि अहूँ से समझ गेलिए होते। आलू के बेची बेची बेटी के पढ़लियै रे जान, जान रे सही समय पर पानी हम पटलियै रे जान, जान रे से ओरे बेटी भेलै नजिनिया रे रे जान, बेटा भेलै ओ पुलिस बोरे जान, जान रे बेटो के पढ़लियै रे।